एसटीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है पैन कार्ड। पैन कार्ड को डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो पैन कार्ड का जो पूरा नाम है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पैन कार्ड को इशू करती है। पैन कार्ड का जो मेन यूज है, मुख्य यूज है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। कोई भी पर्सन इनकम करता है, साल के अंत में उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उसका रिटर्न भरना पड़ता है, डिटेल भरना पड़ता है, तो उसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसमें टोटल 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं पैन कार्ड में। इसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। पैन कार्ड जो है इसको आईडी प्रूफ की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ोटो भी लगा रहता है, लेकिन इसको एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं रहता है। तो ये थी पैन कार्ड से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब आगे देखते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है उसका एक यहाँ सैंपल दिया हुआ है। पैन कार्ड में शुरू का 5 जो है ना, वो अल्फ़ाबेट रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं AEYPM, ये 5 क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद 4 नंबर होता है और फिर अंत में एक अल्फ़ाबेट होता है। तो जो 5 अल्फ़ाबेट होता है उसमें से जो पहला 3 अल्फ़ाबेट है वो AAA से ZZZ का कम्बिनेशन है। मतलब AAA, ABA, ACA, ADA, इस तरह से AA से ZZZ तक जाएगा। ये पहला 3 जो है ना, एक तरह से सीरियल है, AA से ZZ तक जाएगा। जो चौथा लेटर है पैन कार्ड में, ये महत्वपूर्ण है और ये जो है ना दर्शाता है, चौथा लेटर जो है ना ये इंडिकेशन है, इसका अलग अलग मतलब है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर P लिखा हुआ है तो वो इंडिविजुअल का रहेगा या पर्सनल का रहेगा, एक व्यक्ति का रहेगा। C लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो कंपनी का पैन कार्ड होगा। अगर A लिखा हुआ है तो वो एसोसिएशन होगा, कुछ लोगों का एसोसिएशन हो सकता है। F लिखा हुआ है तो कोई फॉर्म के नाम का पैन कार्ड होगा। H लिखा हुआ है तो HUF होता है, हिंदू अनडिफाइंड फैमिली, HUF का हो सकता है। और T लिखा हुआ है तो ट्रस्ट का हो सकता है। तो चौथा लेटर है ना, इसमें यहाँ पे कितना संभावना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग लेटर हो सकता है। P पर्सनल या इंडिविजुअल, C कंपनी, A एसोसिएशन, F फॉर्म, H HUF और T ट्रस्ट। और ये जो लेटर है ये फर्स्ट लेटर ऑफ सरनेम है। जैसे किसी का नाम है मुकेश मिश्रा तो यहाँ पे M आ गया, मिश्रा का M। ऐसे किसी का नाम है रमेश सिंह तो यहाँ S आ जाएगा। तो आपका जो सरनेम है, टाइटल है नेम का, उसका पहला लेटर रहेगा। और ये 4 नंबर है जो कि 1 से लेके 999 तक यहाँ पे रहेगा, है ना, 001 to 999, एक और 9 रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट है वो चेक डिजिट है, ये अपना पर्सनल उनका डिपार्टमेंट का डिजिट चेक करने के लिए। तो ये डिटेल है पैन कार्ड का। अब आपको हम दिखाते हैं अलग अलग लोगों का पैन कार्ड, मतलब पर्सनल का कैसा रहता है, कंपनी का कैसा रहता है, सबका आपको हम अभी दिखाते हैं पैन कार्ड। तो इसके लिए हम लोगों को अभी गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ लिख लीजिए पैन कार्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे इमेज में आकर चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है किसी का भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नारायण पंचाल, ये यहाँ पे दिया हुआ है देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे P तो है ही, पहला P क्या है? पर्सनल है, क्योंकि ये व्यक्ति का है। और यहाँ पे फिर से P है क्योंकि यहाँ पंचाल जो लिखा हुआ है, पंचाल सॉरी संतीलाल पंचाल, तो पंचाल का यहाँ P है। तो ये पर्सनल का आप देख लिए, और भी कोई देख लीजिए यहाँ पे किसी का होगा। ये देखिए अंजना कुमारी, तो यहाँ पे देखिए पी पर्सनल है और कुमारी का के है, ठीक है। तो ये देख लिए हैं, चौथा लेटर जो पी है वो पर्सनल या इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है, और ये के कुमारी का हो गया। अब देखिए पैन कार्ड ऑफ कंपनी, पैन कार्ड ऑफ कंपनी। अब जैसे किसी कंपनी का रहेगा तो देखिए यहाँ पे सी है,
जो भी नाम है इनका कंपनी का, यहाँ पे क्या है, फॉर्म है, ये जो है ना, ये क्या है, फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे एफ दिया हुआ है। और फॉर्म का पहला लेटर यहाँ पे आता है। कंपनी का भी देख लेते हैं, यह कंपनी है यहाँ पे, ये स्मार्ट इंडिया कंपनी नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्म ही है, कंपनी में लिमिटेड रहेगा। देखिए ये प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हुआ है ना, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ तो ये कंपनी हो गया। देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड का आप फॉर्म पैन कार्ड देख सकते हैं। देखिए ना, पैन कार्ड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। अब आ जाइए इमेज में, सी रहेगा। देखिए यहाँ पे सी है चौथा लेटर, यहाँ पे भी सी है चौथा लेटर, है ना, यहाँ पे भी सी है चौथा लेटर। तो कंपनी का सी होता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल का देख लीजिए, पैन कार्ड ऑफ एच यू एफ हिंदू अनडिफाइंड फैमिली। देखिए यहाँ पे क्या है, लिखा रहेगा, खुलने दीजिए एच यू एफ वाला कोई भी। देखिए यहाँ पे एच यू एफ लिखा हुआ है, अनु भंडारी एच यू एफ, तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे स्टार्टिंग का ए आ गया है, ठीक है। और देखते हैं कहीं एच यू एफ का होगा, तो ये हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं, और देख लेते हैं उसके बाद पैन कार्ड ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट में टी होगा चौथा लेटर, देखिए यहाँ टी है ना, वेलफेयर ट्रस्ट टी है, ट्रस्ट टी है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख लिए इंडिविजुअल का, कंपनी का, ट्रस्ट का, एच यू एफ का, एसोसिएशन का भी देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको पैन कार्ड के बारे में डिटेल समझ में आ गया होगा। ये जो चौथा लेटर है ये अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और पाँचवा लेटर या तो उसका सरनेम रहेगा, और कंपनी के केस में वो पहला नेम आ जाएगा, और ये नंबर्स है, और फिर ये चेक डिजिट है। तो इस तरह से पैन कार्ड के बारे में अभी हम लोग डिटेल में देख लिए। आशा करते हैं कि आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको लगा कि ये अच्छा जानकारी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।